आज विश्व यक्षमा दिवस है, वो ये सब अंग्रेजी फैशन है कि कभी फादर्स डे कभी मदर्स डे मनाते हैं, और जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ तो रोज हमारे पास टीवी का मरीज आता है। सिर्फ आज ही टीवी के बारे में बात करेंगे तो हमारा काम नहीं होने वाला है। 2025 तक हमको जो है अपने देश को टीवी से फ्री करना है। तो आज हम लोग एक प्रतीक के रूप में ये टीवी दिवस मना रहे हैं। इसका वजह है कि आज ही के दिन जो है से जो वैज्ञानिक टीवी के कीड़ा का पता लगाए थे उनका जन्मदिवस है। ये सब अंग्रेजी फैशन है, उसको हम लोग भी मान रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो यक्षमा दिवस प्रतिदिन है। हमारे इतने कार्यकर्ता हैं, रोज़ टीवी के मरीज आते हैं, जांच करते हैं, रोज़ टीवी का इलाज करते हैं, है ना। हमारे लिए यहाँ फादर्स डे होता है क्या? हम लोग प्रतिदिन पिताजी को पैर छूते हैं, माता जी को पैर छूते हैं, विदेश में साल में एक दिन माँ से मिलने जाता है तो मदर्स डे हो जाता है। हमारे लिए मदर्स डे रोज है कि नहीं? हाँ, तो ये सब फैशन वो अंग्रेजों का है, हमारे लिए तो रोज़ जो है से टीवी दिवस है। हाँ, विश्व टीवी दिवस इसलिए है कि आज के दिन जो है से पूरे विश्व में टीवी को एक बार फिर से याद करता है। उन लोगों के यहाँ टीवी कम है, इसलिए उन लोग के लिए एक दिवस होता है याद करने का। हमारे यहाँ तो टीवी के मरीज की संख्या बहुत है, इसलिए हमको रोज़ टीवी के मरीज का ख्याल करना है, रोज़ जांचना है, रोज़ इलाज करना है। और हमारे टीवी विभाग में जो लोग हैं वो तो तत्पर हैं ही, हमारे सारे चिकित्सक जो हैं सारे कर्मचारी टीवी के मरीज का ख्याल करते हैं। और आप लोगों को भी ये मीडिया के द्वारा ये करना है कि यहाँ मुफ्त में टीवी का इलाज होता है, लोग आवें जांच करवावें। जो कोई भी जिनको 2 सप्ताह से बेसी का खांसी हो, कमजोरी सा महसूस हो रहा हो, आवें जांच करवा लें, हो सकता है कि उनको टीवी हो, होगा तो मुफ्त में दवाई मिलेगी। और तो और टीवी के इलाज के दरमियान में प्रति महीना उसको 500 रुपया अलग से खाने पीने के लिए मिलेगा पोषण भत्ता के रूप में। प्राइवेट में भी इलाज करा रहे हैं, वो भी सरकारी संस्थान में आ जाएं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनको भी पोषण भत्ता मिलेगा 500 रुपया। इसलिए हमारे लिए आज जो है से बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है।